प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वेलोर और मेट्टुपालयम में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस और डीएमके पर साधा निशाना। कहा इंडी गठबंधन ने दशकों तक एससी एसटी ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान पानी बिजली के लिए तरसा कर रखा। पीएम शाम को नागपुर के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। धुआंधार प्रचार में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में की जनसभा। कहा भाजपा की सरकार आने के बाद घुसपैठ होगा बंद। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में किया रोड शो। जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी लगाया एडी चोटी का जोर। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया तो बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बनाया उम्मीदवार। वहीं समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। संदेश खाली मामले की जांच को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बढ़ाया जांच का दायरा। बेंच ने निर्देश दिया कि अब से संदेश खाली के अन्य दो आरोपों की जांच भी सीबीआई करे। वहीं भूपति नगर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए अधिकारियों पर गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। भाजपा ने कहा नैतिक आधार पर ना सही। अब तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा। विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली में होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। कहा राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत होम्योपैथी की दी जा रही है सुविधा। रिसर्च को बढ़ावा देना जरूरी। सभी लोगों को मिलेगा लाभ। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालु माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं आराधना। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में पहले दौर का मैच जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज दूसरे दौर में डेनमार्क के होल्गर रूने के खिलाफ उतरेंगे कोर्ट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। दक्षिण भारत के दुर्ग को भेदने के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ जुटी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिन की दूसरी सभा को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित मेट्टुपालयम में संबोधित किया। उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर सनातन धर्म का अपमान करने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर जाने का विरोध किया जाता है जिससे उन्हें तकलीफ होती है। पीएम ने कहा कि नए संसद भवन में तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल की स्थापना होती है। डीएमके उसका बहिष्कार करती है। पीएम ने डीएमके द्वारा देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाया और इन्हें भारत छोड़ने का आलना किया। डीएमके के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि ये चुनाव इसलिए है ताकि मोदी भारत छोड़ दे। मैं उन्हें और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन ले, ये चुनाव इसलिए है ताकि करप्शन भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि परिवारवाद भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि ड्रग्स भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी डीएमके संरक्षण करती है वो भारत छोड़ दे।
इससे पहले पीएम ने तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कच्चातीवु द्वीप का जिक्र किया, जिसे कांग्रेस की सरकार पर श्रीलंका को सौंपने का आरोप है। पीएम ने बताया कि बीते वर्षों में उस द्वीप के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते हैं कि कच्चातीवु द्वीप इन लोगों ने स्वयं श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चातीवु आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु के लिए एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसाकर रखना चाहती है। तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स। सेकंड, करप्शन। थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आरोपियों को बचाना चाहती हैं। बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब श्रीनगर के लाल चौक में अमन और शांति का माहौल है। दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 10वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है, जो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ताल ठोकेंगे। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कौशाम्बी से बीजेपी ने विनोद सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो गाजीपुर से पारसनाथ राय, वहीं इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट गया है और अब यहाँ से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। वहीं फूलपुर से प्रवीण पटेल, चंडीगढ़ से संजय टंडन को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट काफी चर्चा में है। बीजेपी ने इस सीट से यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट से बीजेपी से वरुण गांधी चुनाव जीते थे।
सपा ने भगवत चरण गंगवार को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से पूर्व मंत्री अनीश खान हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की है बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद से। उत्तर प्रदेश की जिस सीट पर बहुत चर्चा में है पीलीभीत, जहां से जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जितिन आपका। किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव को, किन मुद्दों को जनता के बीच लेके जा रहे हैं? मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का कार्यकाल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी जितनी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पे पहुंच रही हैं। नए भारत में एक परिवर्तन आया है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की महत्वाकांक्षाएं, उनके जीवन स्तर में जो बढ़ोतरी हुई है, इन सभी पे जनता अपार समर्थन दे रही है। पीलीभीत में सांसद के तौर पर कौन से काम है जो आप करना चाहेंगे यहाँ, जो आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं वादा कर? बिल्कुल, जो काम बहुत 10 वर्ष में हुए, जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके यहाँ की जितनी योजनाएं चली हैं धरातल पे, उनके हमें लाभार्थी मिलते हैं, और बहुत कुछ यहाँ करना और भी है, जो किसानों के लिए हो, हमारे पर्यटन क्षेत्र के लिए हो। यहाँ जो एक थोड़ी समस्या है बाघ की, जो कुछ लोग सुरक्षित नहीं है, उनके लिए स्थायी व्यवस्था, बाड़ा लगा के या इलेक्ट्रिक फेंसिंग करा के ऐसी व्यवस्था बनाई जाएंगी ताकि हमारे गांव भी सुरक्षित रहें और वन भी। जब से चुनाव का ऐलान हुआ उससे पहले भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में आ रहे हैं, एक तरह से कहें तो भगदड़ सी मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? कुछ नहीं बचा है, जनता ने नकार दिया है। जितिन प्रसाद वो हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो पीलीभीत की वो सांसद के तौर पर उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसके दम पर, उस नाम पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना भटकाना लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए बात करते हैं उज्जैन के, जहां उज्जैन शहर के भाजपा कार्यालय में आज कांग्रेस के कई सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के संबलपुर से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर के कुचिंडा में एक मेगा रोड शो निकाला और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। धर्मेंद्र प्रधान के रोड शो में जनता की भारी भीड़ नजर आई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इस विजन डॉक्यूमेंट को हमने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार कहा है। इसमें संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, 24 घंटे बिजली का अधिकार, गरीब के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन का अधिकार जैसी अधिकारों की बात की गई है। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार,
सामाजिक न्याय का अधिकार। शरद पवार की पार्टी एनसीपी गुट ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में शरद पवार ने दो नामों का ऐलान किया है। सतारा सीट से शशिकांत शिंदे और रावेर सीट से श्रीराम पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। शरद पवार ने यह लिस्ट कल महाविकास आघाड़ी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी की। कल सीट बंटवारे को लेकर एमवीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तस्वीर साफ की गई थी। इससे पहले भी शरद पवार ने दो लिस्ट जारी की थी। बाकी बची हुई सीटों पर शरद पवार ने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि यह संकल्प पत्र मात्र दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित अरुणाचल प्रदेश का संकल्प पत्र है। ये विकसित अरुणाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो का संकल्प पत्र महज एक दस्तावेज नहीं है। इट इज नॉट मेरली ए डॉक्यूमेंट, इट इज अ वेरी वेल डेलिबरेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल्स में सभी चीजों का डेलिबरेशन किया गया है। और डेलिबरेशन करने के बाद what we are going to do for the people of Arunachal Pradesh to make it a developed Arunachal Pradesh in the next 5 years, इस बात को गहराई से रखने का प्रयास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में मैं सुबेरे 9:30 चल करके आई एम हियर। कैन यू इमेजिन दिस 10 years बैक, 6 years बैक? वॉज इट पॉसिबल? द नेशनल हाईवे विच आई यूज, द मार्केट विथ थ्रू विच आई केम टू दिस प्लेस, इट इज अनबिलीवेबल। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र और भाजपा की चुनावी गतिविधियों को दिखाने के लिए भाजपा ने विदेशी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया है। पार्टी की योजना इन विदेशी नेताओं को भाजपा के चुनावी गतिविधियों से रूबरू करवाना है। सूत्रों के अनुसार अब तक 13 विदेशी राजनीतिक दलों के द्वारा भाजपा के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक नई पहल करने जा रही है। इस बार लोकसभा चुनावों में भाजपा कई देशों की राजनीतिक पार्टियों को भारत बुलाकर यहां कैसे चुनाव होता है और किस तरह से बीजेपी प्रचार अभियान चलाती है उसको दिखाने का प्लान किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाला ने कई देशों के राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और उनको भारत आने का निमंत्रण दिया है। जिन देशों में निमंत्रण दिया है उनमें यूरोपियन देश, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस समेत कई देश शामिल हैं। इनमें से कई देशों के राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत आने की सहमति जता दी है। हर एक भारतीय का महत्व क्या है, कितना जरूरी है एक आम इंसान, और किस तरह से हमारे लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा विशाल लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, किस तरह से और कितने असरदार और साफ सुथरे ढंग से इसका संचालन करता है। हम बुला रहे हैं लोगों को, विदेश के लोगों को, उनकी पार्टियों को, अलग अलग सियासी पार्टियों को, कि आप देखिए आकर कितना शानदार और उम्दा तरीके से और एफिशिएंट तरीके से और मॉडर्न तरीके से संचालन होता है और कितने फ्री और फेयर हमारे चुनाव होते हैं। गौरतलब है कि भाजपा को जानो कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है, जिसमें वे विदेशी राजनयिकों को भाजपा कार्यालय बुलाकर पार्टी गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हैं। तो वहीं अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी पहल की है। दुनिया के कई देशों को भारतीय लोकतंत्र के उत्सव का साक्षी बनाएगी भाजपा। भाजपा ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन देशों और नेपाल समेत इन देशों की करीब 2 दर्जन पार्टियों को भारत आकर लोकसभा चुनाव देखने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट और द सोशल डेमोक्रेट, अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जैसी सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों को भारत के लोकतंत्र का उत्सव देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल की सत्ता में शामिल 5 दलों को बुलावा भेजा गया है। जानकारों की माने तो भारत में किस तरह से चुनाव होता है उसको जानने के लिए विदेश की कई पॉलिटिकल पार्टियां इच्छुक हैं। ऐसे में पहली बार कई विदेशी पार्टियों को भारत में कैसे चुनाव होता है वो दिखाने का काम भाजपा करेगी। भाजपा किस तरह से प्रचार करती है उसको दिखाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अब तक
13 राजनीतिक दलों से कन्फर्मेशन आया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। इन देशों में यूरोपियन देश श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, इसराइल, तंजानिया के राजनीतिक दल शामिल हैं। कुछ और देशों की तरफ से भी जल्द जवाब आ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां तीसरे और चौथे चरण के मतदान के समय भारत आएंगी। पार्टियों के साथ आने वाले डेलीगेशन को 3 या 4 लोकसभाओं में घुमाया जाएगा और भाजपा का कैंपेन दिखाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री की रैलियों में भी ले जाने का कार्यक्रम है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज। तो फिलहाल 24 की चुनौती की खबरों में बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। परसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे, ये है मोदी की गारंटी। इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने संदेश खाली सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं, कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है आइए देखते हैं। वो उसमें मैं कुछ कहता हूं, एक दो शब्द आपके बारे में, और उसके बाद मुझे बेल मिल जाती है, और उसके बाद मैं पार्डन होके साक्ष्य बन जाता हूं, जिसको अप्रूवर कहते हैं। ये सब पहलू आपके चिर परिचित हैं, जाने माने हैं, आप लोग समझते हैं, जनता समझती है, ये एक रूटीन बन गया है। लेकिन रूटीन रूल नहीं होता, अपवाद है, ये याद रहे हमेशा। अब मैं इस संदर्भ के बाद अभी हाल की छत्तीसगढ़ के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड लिकर स्कैम, और लिकर स्कैम भी चल रहे हैं इंडी गठबंधन के विषय में, मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये आपको एक संदर्भ दे के, एक प्राकथन दे के। शराब घोटाले की एक काल्पनिक और सनसनीखेज भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में, और विशेष रूप से लिखी गई क्योंकि चुनाव आ रहे थे, उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसका गति और दिशा थी चुनाव के पहले, और अब कल परसों उसका खुलासा हुआ है चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख बैठा हूँ। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी विचित्र चीज आपके सामने रखी है। उन्होंने ये होल्ड किया कि पूरा मामला हम खारिज करते हैं, टुटेजा नाम था मुख्य रूप से, लेकिन उनको हर प्रकार से आरोपित किया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं, 70 अधिकारी मिले हैं, शासन पूरी तरह से लिप्त है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहला कि कोई ऑफेंस ही नहीं है, हम क्वाश करते हैं। दूसरा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन वाला जो धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो आधारित होता है निर्धारित, पूर्व निर्धारित अपराध पे, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो उच्च न्यायालय का ऐसा कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है, तो जानवर नहीं है तो पूंछ कहाँ से हिल रही है, जब बॉडी नहीं है तो उसकी पूंछ कैसे हिल सकती है।
और खबर पश्चिम बंगाल से, आप बता दें कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने संदेश खाली में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बेंच ने निर्देश दिया है कि अब से संदेश खाली के अन्य दो आरोपों की जांच भी सीबीआई करे। ये दो आरोप जमीन हड़पना और भूमि का चरित्र परिवर्तन है। कोर्ट ने सीबीआई से आरोप प्राप्त करने के लिए कुछ ऑनलाइन तरीका अपनाने को भी कहा। 2 मई तक सीबीआई को प्राथमिक रिपोर्ट जमा करनी है। भूपति नगर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए एनआईए अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करने को कहा गया है और एनआईए को 72 घंटे पहले पूछताछ की जानकारी देनी होगी। वहीं आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल के वकील कल के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी अपील को अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई बेंच के सामने उठाया। इस बीच केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने केजरीवाल की सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी 1 हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने वकील से मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जबरदस्त हमलावर मोड में नजर आई। भाजपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि पहले तो नैतिकता के आधार पर ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए था और अब तो अदालत के रुख के बाद पद छोड़ने का ठोस आधार है। वहीं केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता खासे आक्रोश में नजर आए। तो नैतिकता की बात करते थे, आज नैतिकता के नाम पे वो शून्य हो चुके हैं। नैतिकता बची नहीं है, ना आम आदमी पार्टी बची है, ना केजरीवाल ने बची है। उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक समझ नहीं आया कि इतना प्रदर्शन देखकर भी उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार नहीं रही है। इस समय भी उनकी आत्मा यहाँ विचरण कर रही होगी और निश्चित रूप से तिहाड़ जाकर के उनको बताएगी कि तुम्हारी थूथू हो रही है, अब इस्तीफा दे दो। साथ ही हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने मौके का जायजा लिया। केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना सख्त रवैया इख्तियार कर रही है और उनके ऑफिस के बाहर इस समय केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, क्योंकि अब वो तिहाड़ जेल में है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और ये मेरे आप ठीक सामने देख सकते हैं, रामवीर विधोड़ी, जिन्हें दक्षिण पश्चिम दिल्ली का जो है टिकट मिला है, बीजेपी के नेता है हर्षवर्धन, पूर्व मंत्री रहे सरकार में वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं और उन सब की यही डिमांड है कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पूरे शराब घोटाले में शामिल है और लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये जो आवाज है जनता की, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो सख्त रवैया वो अपनाते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की डिमांड कर रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरों में आपको दिख सकता है कि कितना हुजूम यहाँ पर जुड़ा है और लगातार जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। कैमरा मोहित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत कर। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल,
कांग्रेस साथ दिखा सबको की चोंचों बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीति घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खान को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांध कर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा होगी। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं SC ST का भी मंत्री हूँ, समाज कल्याण मंत्री भी हूँ, अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ होना जायज है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं।